नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म रईस से जुड़ा एक मामला फिर से चर्चा में है। इस मामले की सुनवाई गुजरात हाईकोर्ट में हुई। दरअसल फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान एक शख्स की मौत हो गई थी, तो थाने में एक पोल्ट्री फार्म में फिर बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार इस पोल्ट्री के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लगभग 25,000 पक्षियों को अगले कुछ दिनों में मार दिया जाएगा। वहीं NIA के मुंबई स्थित एक विशेष अदालत ने एल्गार परिषद माओवादी मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस बीच मशहूर लावणी कलाकार सुरेखा पुणेकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दर्ज FIR खारिज करने के लिए विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उधर भाजपा नेता किरीट सोमैया के खिलाफ एक्शन की तैयारी तेज है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के साथ बैठक की है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म रईस से जुड़ा एक मामला फिर से चर्चा में आ गया है। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को गुजरात हाईकोर्ट में हुई। दरअसल फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान एक शख्स की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने शाहरुख खान के खिलाफ कई शिकायतें भी दर्ज कराई थी। अब इन शिकायतों को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया है कि अभिनेता ने कोई अपराध नहीं किया है, मृतक हृदय रोगी था और किन्हीं अन्य वजहों से उसका निधन हो गया। रईस जनवरी 2017 में रिलीज हुई थी। इसके प्रमोशन के लिए शाहरुख खान 23 जनवरी को मुंबई से दिल्ली जा रही अगस्त क्रांति एक्सप्रेस में प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। दरअसल शाहरुख खान पर आरोप लगे थे कि ट्रेन के कोच नंबर 4 में बुकिंग नहीं होने के बावजूद वह प्रमोशन के लिए पहुंचे। वडोदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जब ट्रेन रुकी तो भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान ने लोगों के बीच टी शर्ट और बॉल फेंकी, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा और एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृत शख्स के परिजनों ने वडोदरा की निचली अदालत में शिकायत की थी। इसी शिकायत को रद्द करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि परिवार वाले सहमत हैं तो शाहरुख खान से माफी मांगने के लिए कहा जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। कोरोना के ओमिक्रॉन संक्रमण से जारी राहत के बीच फिर एक परेशान करने वाली खबर आई है। अब महाराष्ट्र के ठाणे में एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार इस पोल्ट्री के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लगभग 25,000 पक्षियों को अगले कुछ दिनों में मार दिया जाएगा। फ्लू के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। ठाणे जिले में हाल ही में शाहपुर के पोल्ट्री फार्म में लगभग 100 पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू के मामलों का पता चला। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर भाऊसाहेब डांगड़े ने कहा कि हाल ही में शाहपुर तहसील के वेरहोली गांव के पोल्ट्री फार्म में लगभग 100 पक्षियों की मौत हो गई। उनके नमूने परीक्षण के लिए पुणे स्थित प्रयोगशाला में भेजे गए और परिणामों में पुष्टि हुई कि उनकी मौत H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण हुई थी। इसके बाद प्रभावित फार्म के 1 किलोमीटर क्षेत्र में पोल्ट्री फार्मों में पाले जा रहे लगभग 25,000 पक्षियों को अगले कुछ दिनों में मारने का निर्णय लिया गया है। जिले का पशुपालन विभाग अन्य पक्षियों में संक्रमण को फैलने से रोकने के उपाय करेगा। केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय को यहां बर्ड फ्लू के मामलों के बारे में सूचित कर दिया गया है। NIA की मुंबई स्थित एक विशेष अदालत ने एल्गार परिषद माओवादी मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने प्राप्त दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि तीनों आरोपियों ने प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अन्य सदस्यों की मदद से देश में अराजकता पैदा करने और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए गंभीर षड्यंत्र रचा। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद एक पत्र से प्रथम दृष्टया ये पता चलता है कि भाकपा माओवादी देश में मोदी राज को समाप्त करने पर आमादा था और वे प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को निशाना बनाकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या जैसी घटना को अंजाम देने के बारे में भी सोच रहा था। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड के मौजूद कागजात प्रथम दृष्टया ये दर्शाते हैं कि आरोपी न केवल प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के सदस्य थे, बल्कि वे संगठन के उद्देश्य से आगे की गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, जो राष्ट्र के लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने के अलावा और कुछ नहीं है। NIA अदालत ने कहा कि यदि इन आरोपों को उस मामले में उचित परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखा जाता है तो ये निष्कर्ष निकालने में कोई झिझक नहीं होगी कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है कि उन्होंने भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालने या संभावित रूप से खतरे में डालने के इरादे से कार्य किया है। अदालत ने यह भी कहा है कि इस बात के भी साक्ष्य है कि याचिकाकर्ता पुणे में एल्गार परिषद के आयोजन में शामिल थे।
मशहूर लावणी कलाकार सुरेखा पुणेकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दर्ज एफआईआर खारिज करने के लिए विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिछले साल सितंबर महीने में पुणेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थी। इसके बाद दरेकर ने पुणे में शिरूर तालुका में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि रांकापार रंगे पुते गालों का चुम्बन लेने वाली पार्टी है। हालांकि दरेकर ने पुणेकर का नाम नहीं लिया था, लेकिन माना गया कि उसका इशारा इनकी तरफ ही था। इस मामले में प्रदेश महिला राकापा अध्यक्ष रूपाली चाकणकर की शिकायत के आधार पर सियागढ़ रोड पुलिस स्टेशन में दरेकर के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। अब दरेकर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। न्यायमूर्ति प्रसन्ना वराले और न्यायमूर्ति सुरेंद्र तावड़े की खंडपीठ 3 सप्ताह बाद मामले की सुनवाई करेगी। दूसरी तरफ भोसरी जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व राजस्व मंत्री और रांकापा नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी खड़से की अंतरिम राहत 14 मार्च तक बढ़ गई है। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी। आरोप है कि भाजपा सरकार में राजस्व मंत्री रहते खड़से ने अपने पद का दुरुपयोग कर जमीन अपने परिवार के नाम करा ली थी। भाजपा नेता किरीट सोमैया के खिलाफ एक्शन की तैयारी तेज है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के साथ बैठक की। ये बैठक करीब 2 घंटे चली। समझा जा रहा है कि ये उसी एक्शन की तैयारी है। गत दिनों राउत ने कहा था कि भाजपा के 3.5 नेता जल्द से जल्द जेल जाएंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद राउत ने कहा कि वे पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया के खिलाफ सबूत सामने रखेंगे। राउत ने कहा कि मुंबई के पवई इलाके में पेरूबाग पासपोली में 38 एकड़ के भूखंड को सोमैया ने हड़प लिया है। पुनर्वसन के नाम पर यहां 433 फर्जी लोगों को लाभार्थी बनाया गया है। इन लोगों से एजेंट के माध्यम से 25-25 लाख रुपए लिए गए हैं। शिवसेना सांसद ने दावा किया है कि इस घोटाले को लेकर मेरे पास ट्रक भर कागजात है। राउत ने सोमैया पर यह आरोप भी लगाया है कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम पर 300 करोड़ की वसूली की है। राउत ने धमकी भरे लहजे में कहा कि जो कोई सोमैया की तरफ से बोल रहा है वो उनका पक्ष न ले, नहीं तो उनकी पोल भी खुलेगी। राउत ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सोमैया ने 7,500 करोड़ रुपए की वसूली की है। राउत के मुताबिक सोमैया ने ये वसूली ईडी, सीबीआई व दिल्लियों के मंत्रियों के नाम पर की है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दुर्गा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिषासुर के रूप में दिखाने वाले एक पोस्टर ने राज्य में विवाद खड़ा कर दिया है। तो अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में विशेष अदालत ने 49 दोषियों में 38 को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने 11 अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं कवि कुमार विश्वास को केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास ने अलगाववाद के आरोप में लगाए थे। इसी बीच आज शुक्रवार को भी क्रिप्टो निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक दो डिजिटल मुद्राओं को छोड़ दे तो ज्यादातर करेंसी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। उधर हिजाब पर विवाद के कारण कर्नाटक में तुमकुर के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में चांदनी नामक अतिथि व्याख्याता ने इस्तीफा दे दिया है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने जब उनको हिजाब उतारने के आदेश का पालन करने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। देश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दुर्गा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिषासुर के रूप में दिखाने वाले एक पोस्टर ने राज्य में विवाद खड़ा कर दिया है। भाजपा के एक नेता ने इसे प्रधानमंत्री और सनातन धर्म का अपमान बताते हुए कहा कि पार्टी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से संपर्क करेगी। पोस्टर पश्चिम बंगाल जिले के मिदनापुर में लगाया गया था। टीएमसी नेता अनिमा साहा इस जिले के वार्ड नंबर 1 से पार्टी की उम्मीदवार है। पोस्टर में विपक्षी दलों को बकरियों के रूप में भी दिखाया गया है, जिसमें लिखा है कि अगर किसी और ने विपक्षी दलों को वोट दिया तो उनकी बलि दी जाएगी। इससे मिदनापुर जिले में हड़कंप मच गया है। स्थानीय भाजपा नेता विपुल आचार्य ने कहा कि नेताओं को देवता के रूप में दिखाना सनातन धर्म का अपमान है, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भी अपमान है। वही टीएमसी नेता अनिमा साहा ने कहा कि उन्हें यह भी नहीं पता कि यह पोस्टर किसने लगाया है। उनके मुताबिक गलत काम किया गया है। अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं कभी भी इस तरह के पोस्टर इलाके में नहीं लगने देती। बता दें कि पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव नजदीक है। 108 नगर पालिकाओं के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में विशेष अदालत ने 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने 11 अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इन लोगों को पहले ही दोषी करार दे दिया था और आज इन लोगों की सजा का ऐलान होना था। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए 21 सीरियल ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।
आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। आतंकियों का कहना था कि हमने 2002 में हुए गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में कुल 77 लोग आरोपी थे, जिनमें से 28 को अदालत ने बरी कर दिया था और बाकी 49 लोगों को दोषी करार दिया था। 14 सालों तक चले मामले के बाद यह सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट से सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई थी। वहीं बचाव पक्ष ने कम से कम सजा की अपील कोर्ट से की थी। हालांकि अदालत ने 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अहमदाबाद विस्फोट मामले में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश AR पटेल ने 8 फरवरी को फैसला सुनाते हुए 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था। अदालत ने 77 में से 28 आरोपियों को बरी कर दिया था। कवि कुमार विश्वास को केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास ने अलगाववाद के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि वह पंजाब के CM बनेंगे या फिर खालिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है और कुमार विश्वास की सुरक्षा को खतरे की भी आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि होम मिनिस्ट्री अब कुमार विश्वास की सुरक्षा की समीक्षा कर रही है। वहीं पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी से मामले की जांच तक की मांग कर दी है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास पर पलटवार करते हुए कहा कि आखिर कब तक वह चुप क्यों थे। पंजाब के आप प्रभारी राघव चड्ढा ने कहा कि यह एक प्रोपेगेंडा है जो चुनाव से ठीक पहले फैलाया जा रहा है। इस पूरे मामले में खालिस्तान का जिक्र होने के चलते सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को मतदान किया जाना है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल, BSP और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी लोक पंजाब कांग्रेस मुख्य दावेदार है। क्रिप्टोकरेंसी का बाजार अस्थिर और जोखिम भरा माना जाता है। यह एक पल में आदमी आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाता है तो दूसरे ही पल एक झटके में जमीन पर आ गिरता है। शुक्रवार को भी क्रिप्टो निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक दो डिजिटल मुद्राओं को छोड़ दे तो ज्यादातर करेंसी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। क्रिप्टो बाजार में एक बार फिर से भारी गिरावट आई और बिटकॉइन, इथोरियम समेत टॉप 10 करेंसी की कीमत बुरी तरह टूट गई। बिटकॉइन का दाम 7% से ज्यादा गिर गया और इस गिरावट के साथ इस डिजिटल करेंसी की कीमत गिरकर 32,27,543 रुपए पर आ गई है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के लिए साल 2022 की शुरुआत ठीक नहीं रही। हालांकि बीते साल नवंबर महीने में अपने ऑल टाइम हाई $69,000 पर पहुंचने के बाद से बिटकॉइन का बुरा दौर शुरू हो गया था, लेकिन नए साल में इसमें गिरावट का जो सिलसिला चला वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालत ये है कि इस साल अब तक महज 1.5 महीने के भीतर ही बिटकॉइन का दाम 15.3% से अधिक टूट चुका है। इससे ऊंचे भाव पर इसमें पैसे लगाने वाले लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। बीते 24 घंटे में इस डिजिटल करेंसी में आई गिरावट के कारण इसका मूल्य निम्न स्तर तक आ चुका है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद रोज नया मोड़ लेता जा रहा है, जहां उच्च न्यायालय में सुनवाई अभी लंबित है और अंतरिम आदेश के अनुसार कक्षाओं में छात्र छात्राओं के हिजाब, बुर्का और भगवा गमछे आदि पहनने पर रोक लगी है। इसके बावजूद हिजाब को लेकर स्कूल कॉलेजों में नोक झोंक और तनाव के मामले देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच कर्नाटक के तुमकुर में हिजाब पहनकर पढ़ाने से रोकने पर शिक्षिका के इस्तीफा देने का मामला सामने आया है। हिजाब पर विवाद के कारण तुमकुर के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में चांदनी नामक अतिथि व्याख्याता ने इस्तीफा दे दिया है। वह हिजाब पहनकर कॉलेज में जा रही थी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने जब उसको हिजाब उतारने के आदेश का पालन करने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। तलखी बढ़ने पर आदेश का पालन कर हिजाब हटाने के बजाय उन्होंने नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर सामने आए उनके इस्तीफा के पत्र में खुलासा हुआ है कि वह पिछले 3 साल से कॉलेज के अंदर हिजाब पहन रही थी। उन्होंने 16 फरवरी को कॉलेज के प्रिंसिपल को सौंपे त्याग पत्र में लिखा, जैसा कि आपने मुझसे मेरा हिजाब उतारने की मांग की थी, जो मैं आपके कॉलेज में 3 साल से पहनकर आ रही हूँ, इसलिए मैं अंग्रेजी विषय के व्याख्याता के पद से इस्तीफा दे रही हूँ। चांदनी ने आगे लिखा कि मैं आपके अलोकतांत्रिक कृत्य की निंदा करती हूँ। धर्म का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों में 100 परमाणु बम बिल्कुल तैयार हालत में रखे हुए। ये तैयारी उसने काफी लंबे समय से कर रखी है। इसलिए तय है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की राह आसान नहीं होने जा रही है।
तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि वह रूस के साथ शांति बनाए रखने तथा सीमा विवाद का हल खोजने की दिशा में बातचीत करने के लिए राजी है। वहीं नेपाल में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल सीपीएन माओवादी के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड के सरकार में अलग होने की चेतावनी के बाद अब प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की शरण में पहुंच गए हैं। इसी बीच सिंगापुर के प्रधानमंत्री द्वारा अपने संसद में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया जाना भारत सरकार को नागवार गुजरा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिंगापुर के राजदूत को तलब किया और उनके प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज कराई है। उधर संयुक्त अरब अमीरात के पुरातत्वविदों ने देश की सबसे प्राचीन बिल्डिंग की खोज की है। ये इमारत 8500 साल पुरानी है। ये बिल्डिंग इससे पहले मिली इमारत से भी 500 साल ज्यादा पुरानी है। दुनिया भर की 5 खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की राह आसान नहीं होने जा रही है। अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों में 100 परमाणु बम बिल्कुल तैयार हालत में रखे हुए हैं। ये देश है बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और तुर्की। यही नहीं, इन परमाणु बमों को दागने के लिए अमेरिका ने F-16 समेत अन्य लड़ाकू विमानों को भी यूरोपीय अड्डे पर तैनात कर रखा है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन तनाव को देखते हुए अपने B-52 परमाणु बम्बर को भी ब्रिटेन के हवाई ठिकाने पर भेजा है। ये परमाणु बम अमेरिका के सबसे घातक F-35 लड़ाकू विमानों से गिराए जा सकते हैं। अमेरिका ने यूरोप की यह किलेबंदी रूस के नाटो देशों पर हमले के खतरे को देखते हुए काफी लंबे समय से कर रखी है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का मुख्य सिद्धांत है कि सामूहिक रक्षा की जाए। इसका मतलब यह हुआ कि कोई तीसरा देश अगर नाटो देशों पर हमला करता है तो प्रत्येक सदस्य को उसकी रक्षा के लिए आगे आना ही होगा। अगर रक्षा पर खर्च की बात करें तो अमेरिका ने नाटो के अन्य सदस्य देशों के कुल रक्षा खर्च का दोगुना खर्च किया है। साल 2021 में अमेरिका का रक्षा बजट $705 अरब रहा। रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसा बहाने के साथ साथ अमेरिका के पास महाविनाशक हथियार और एक विशाल सेना भी मौजूद है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि वह रूस के साथ शांति बनाए रखने तथा सीमा विवाद का हल खोजने की दिशा में बातचीत करने के लिए राजी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस के साथ बातचीत आयोजित करने के अन्य देशों की सहायता तथा ऐसे प्रयासों का समर्थन करता है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में यूक्रेन की सदस्यता की संभावनाओं पर टिप्पणी करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि सभी नाटो सदस्य यूक्रेन के अधिग्रहण का समर्थन नहीं करते हैं। नाटो में यूक्रेन का शामिल होना रूस की मुख्य चिंताओं में से एक रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नाटो मुद्दे पर जनमत संग्रह की संभावना पर विचार नहीं किया जा रहा है। नाटो सदस्यता का लक्ष्य वर्तमान में यूक्रेनी संविधान में निहित है। यूक्रेन और कुछ पश्चिमी देशों ने नवंबर 2021 से रूस पर आक्रमण के संभावित इरादे से यूक्रेनी सीमा के पास भारी सैनिकों की तैनाती का आरोप लगाया है। रूस ने बार बार इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि वह अपने क्षेत्र की रक्षा तथा अपनी सीमाओं पर सैनिकों की तैनाती के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि नाटो गतिविधियां रूस की सीमा सुरक्षा के लिए खतरा है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयिप एर्दोगन ने कहा कि उनका देश इस क्षेत्र में तनाव को कम करने के प्रयासों के तहत यूक्रेनी और रूसी नेताओं की बैठक आयोजित करने के लिए काम कर रहा है। चीन बनाम अमेरिका की जंग से एक बार फिर से नेपाल सियासी भंवर में फंसता दिखाई दे रहा है। नेपाल में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल सीपीएन माओवादी के नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड के सरकार से अलग होने की चेतावनी के बाद अब प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की शरण में पहुंच गए हैं। यह पूरा विवाद अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन को लागू लेकर हो रहा है, जिसका चीन समर्थक गुट विरोध कर रहा है। प्रचंड की चेतावनी के बाद देउबा सरकार ने MCC को संसद में पेश करने के फैसले को टाल दिया है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक सत्तारूढ़ गठबंधन में समझौते की संभावना को खत्म होता देख PM देउबा ने CPN-UML के नेता KP शर्मा ओली से मुलाकात की है। इससे पहले सत्तारूढ़ गठबंधन की बैठक प्रधानमंत्री निवास पर हुई थी, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। नेपाल में सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि देउबा अब विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वह MCC समझौते को संसद में पेश करने को लेकर प्रतिबद्ध है। उधर काठमांडू पोस्ट अखबार के मुताबिक प्रचंड का धड़ा अमेरिका से $50 करोड़ की सहायता नहीं लेने के फैसले पर अड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में MCC को लेकर आम सहमति बनने की संभावना धूमिल हो गई है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री द्वारा अपने संसद में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया जाना भारत सरकार को नागवार गुजरा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिंगापुर के राजदूत को तलब किया और उनके प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज कराई।
भारतीय मीडिया ने विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री की टिप्पणी गैरवाजिब थी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शिन लॉन्ग ने कुछ दिन पहले अपने संसद में एक बहस के दौरान भारत के बारे में कहा था कि वहां की लोकसभा में लगभग आधे सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, जो नेहरू के भारत से अब तक की लोकतांत्रिक राजनीति में हुए पतन का संकेत है। उन्होंने यह भी कहा कि अब नेहरू के भारत जैसा भारत नहीं रहा। बता दें कि सिंगापुर भारत का प्रमुख साझेदार है और दोनों देशों के नेतृत्व के संबंध काफी अच्छे रहे हैं। हालांकि भारत सरकार द्वारा एक सहयोगी देश के राजदूत को तलब करना असामान्य है, लेकिन भारत सरकार विदेशों में हो रही टिप्पणियों को लेकर खासी संवेदनशील रही है। एक दिन पहले भारत ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल अर्थात OIC की टिप्पणी पर ऐतराज जताया था। इस्लामिक देशों के संगठन ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर गंभीर चिंता जताई थी, जिसे भारत ने इसे अंदरूनी मामलों में दखल बताया। संयुक्त अरब अमीरात के पुरातत्वविदों ने देश की सबसे प्राचीन बिल्डिंग की खोज की है। पुरातत्वविदों ने बताया कि यह इमारत 8500 साल पुरानी है। यह बिल्डिंग इससे पहले मिली इमारत से भी 500 साल ज्यादा पुरानी है। अबू धाबी के संस्कृति और पर्यटन विभाग ने इस शानदार खोज की जानकारी दी है। यह प्राचीनतम इमारत अबू धाबी शहर के पश्चिम में स्थित घाघा द्वीप पर मिली है। इस द्वीप से जो ढांचा मिला है वह साधारण गोल कमरों की तरह से है, जिसके चारों ओर पत्थर की दीवार है। यह दीवार 3.3 फीट ऊंची है और अभी भी काफी हद तक सुरक्षित है। शोधकर्ताओं के दल ने कहा कि यह ढांचा संभवतः एक छोटे से समुदाय का घर था जो इस द्वीप पर उस समय रहते थे। उन्होंने कहा कि यह खोज इस बात को दर्शाती है कि लंबी दूरी तक समुद्री व्यापारिक रास्ते शुरू होने से पहले ही नवपाषाण युग की बस्तियां यहां मौजूद थी। इस जगह से हजारों की तादाद में पुरावशेष भी मिले हैं। इनमें पत्थर से बने तीर के नोक भी शामिल है जो शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। टीम ने कहा कि इस बात की संभावना है कि यहाँ रहने वाले लोग समुद्र में मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते थे। इस बिल्डिंग के पास एक शव दफन किया हुआ मिला है जो करीब 5000 साल पुराना है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए BKB न्यूज़। नमस्कार।